वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेष राशि वालों, जो मनुष्य स्वयं से ही प्रसन्न नहीं हो सकता, उसका कहीं अन्यत्र जाकर प्रसन्नता की, धन की, प्रेम की, परिवार की खोज करना व्यर्थ ही है। याद रखें दोस्तों, हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसको हम सहज ही पहचान नहीं पाते हैं। वही शक्ति हमारी प्रेरणा है और वही प्रेरणा योजनाओं को जन्म देकर लाभ देती है, कार्य बनाती है। आज यह बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे 12 सालों के बाद जो एक दुर्लभ योग ने जन्म लिया है, वह नोटों की बरसात करेगा, यानी वह आपको 4 महीने तक मौका दे रहा है धन कमाने का। और यही स्थिति एक बार फिर आपके लिए सुंदर अवसरों का निर्माण करने वाली है। जो कई सालों में नहीं हुआ है, वह 4 महीने में हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु ग्रह यानी कि देव गुरु बृहस्पति 118 दिनों तक, तकरीबन 4 महीने तक बकरी होने जा रहे हैं। अब यही उनकी बकरी चाल आपको बहुत मजबूत करेगी, कई सपनों को पूर्ण करेगी, क्योंकि उनकी वजह से आपको धन मिलता है। नौकरी तो देते ही है, साथ में पद भी देते हैं, विवाह तो वह करवाते हैं लेकिन विवाह में सुख भी देते हैं, धन कमाने के अवसर तो देती ही है लेकिन धन की वजह से समृद्धि भी देते हैं। और जिनकी कुंडली में गुरु मजबूत होता है वह आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनता है। वही गुरु ग्रह पूरे 118 दिन तक आपके जीवन में कैसे फल देंगे, किस तरह से लाभ देंगे और क्या क्या लाभ दे सकते हैं, आइए जानते हैं बकरी गुरु का मेष राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। दोस्तों, मैंने 3 जून को ही भविष्यवाणी करते हुए कह दिया था, बकरी शनि 4 नवंबर से पहले निजी तौर पर देश के लिए तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक सफलताओं का दौर लाएगा और विश्व की फलक पर तिरंगे की शान को बढ़ाएगा। और आज आप देख भी सकते हैं चंद्रयान 3 वहां पर पहुंच भी गया है और चांद की एक जगह का नाम तिरंगा रखा गया है। आप भी वह भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। 9 मिनट 51 सेकंड पर वह भविष्यवाणी है। तो आज भी मैं बकरी गुरु के चलते आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है उनके बारे में भविष्यवाणी कर रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। मेष राशि वालों, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि बकरी गुरु क्या फल देता है, यानी कि मेष राशि वालों को वह क्या फल देगा। वैसे तो वह कुंडली में ग्रह गोचर और दशा पर निर्भर रहता है, लेकिन वह देह भाव में उपस्थित होने से आपको दुनिया के और लोगों से अलग करता है। वह आप लोगों को ऐसे कार्यों में भी सफलता प्रदान कर देता है जिसमें दूसरे लोग फेल हो जाते हैं, थककर हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं और उनकी ही वजह से आप में आत्मबल बढ़ता है, फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और उनके ही आधार पर आप ढेर सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार गुरु आपके 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को देख रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि इन भावों से संबंधित लाभ मिलना तय है। सबसे पहले तो उनकी दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ रही है, यानी कि आपको आपके जीवन में 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच आकस्मिक लाभ मिलने लगेंगे। आप नौकरी या बिजनेस के उद्देश्य से विदेश जाने में कामयाब रहेंगे, अचानक से प्रमोशन या नौकरी का लाभ मिलेगा, शिक्षा में सफलता के अवसर उपलब्ध होंगे, प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल समय मिलेगा। जब भाग्य के स्वामी बकरी हो रहे हैं तो किस्मत का साथ मिलना तय है। करियर के क्षेत्र में यह बृहस्पति का गोचर आपको अद्भुत सफलता प्रदान करने लगेगा। किसी वरिष्ठ अधिकारी से आपको विशेष लाभ मिलेगा। जो सरकारी क्षेत्र से संबंध रखते हैं उन्हें नौकरी के अलावा विशेष महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे जो आपकी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। बकरी गुरु आपके लग्न में है तो वह अब धार्मिक विचारों को जन्म देगा, मंदिर अथवा धार्मिक स्थान पर तीर्थ यात्रा करने के योग बनाएगा,
बकरी गुरु का सबसे अच्छा लाभ मिलेगा तो वह कार्य से वंचित और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को। 4 सितंबर से ही आपके लिए नौकरी के कई अवसर खुलेंगे। करियर में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो मेडिकल के स्टूडेंट है, आईटी के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है और जिन्होंने अत्यधिक टेक्नोलॉजी संबंधित क्षेत्र का कोर्स किया है, तो आप भी नए अवसर और नई जगह पर कार्य करने के लिए तैयार रह सकते हैं, क्योंकि गुरु आपको परिवर्तन के योग के रूप में लाभ देने लगेंगे। करियर में अच्छी सफलता हासिल करने का मौका रहेगा और वैसे भी गुरु आपके पंचम भाव पर दृष्टि कर रहा है और वहां पर बुध स्वयं उपस्थित है, तो उसका सीधा मतलब यही हुआ कि आप चाहे देश में है, किसी अन्य राज्य में है या फिर विदेश में है, आपकी नौकरी तय है। नौकरी कर रहे हैं तो सम्मान में वृद्धि होगी, सैलरी में इंक्रीमेंट होगा या फिर आपको उचित पद भी दिया जा सकता है, मिल सकता है। गुरु की द्वितीय दृष्टि सप्तम भाव पर हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि प्रेम विवाह भागीदारी से संबंधित लाभ मिलना तय है। दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याएं कम होने लगेगी। आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगेंगे। आप अपने रिश्ते की अहमियत को समझेंगे, जानेंगे, जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का मौका मिलेगा और करने लगेंगे। गुरु आपके परिवार को एक करेंगे, एक और मौका देंगे। वक्री गुरु यहाँ 2 खुशखबरी देगा। पहला, जो 26 साल पार कर चुके हैं उन्हें शादी के अवसर के रूप में लाभ देगा। विवाह होगा, आप किसी दूर के व्यक्ति के नजदीक जाना चाहते हैं तो यह भी संभव होगा। तो दूसरा लाभ, वह व्यवसाय और व्यापार में सफलता का दौर शुरू करेगा और उसमें लाभ के रूप में धन देगा। यह समय आपके लिए एक समृद्धशाली समय होगा। धन कमाने के अवसर उपलब्ध होंगे। आप बड़ी से बड़ी डील आसानी से कर पाएंगे। व्यापार में बदलाव की स्थिति आपको आगे की ओर ले जाएगी। आप व्यापार का विस्तार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करेंगे, कर्ज लेकर, लोन लेकर व्यापार का विस्तार करेंगे और 4 सितंबर के बाद आपको कोई बहुत अच्छा मौका भी हाथ लग सकता है या मिल सकता है और उसे आप आजमा कर जिंदगी बदल कर रख देंगे। जब गुरु ही अपने घर में शुभ दृष्टि करेगा, यानी कि भाग्य भाव पर, तो समझ लीजिए कि आपके समृद्धशाली जीवन के सपने सच होने लगेंगे। आप अपने क्षेत्र में अग्रणी बनेंगे। आपके अंदर जुझारूपन बढ़ेगा जो आपको मेहनत से हर चीज उपलब्ध करवाएगा। अचानक से भाग्य पलटेगा और आपको कुछ अच्छी सफलताएं हाथ लगेगी, मिलने लगेगी। कुल मिलाकर गुरु की उल्टी चाल आपकी समस्याएं खत्म करेंगी और लंबे समय से चल रहे तनाव व दबाव से भी राहत देगी। दोस्तों, अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं वहां पर अच्छी जानकारी लेकर आता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।